माउंट आबू यहाँ से 110 या फिर 100 किलोमीटर के आसपास है। आबू रोड 70 है तो माउंट आबू से 30 किलोमीटर आगे होगा। लेकिन भाई रोड देखो एक बार आप, क्या नज़ारे हैं यार। ये तो अभी सनसेट का टाइम नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ का नज़ारा कुछ और ही होता है। और अगर बारिश के दिनों में आओ ना तो भाई झरना होता है इस साइड से, और सिरोही शहर उस साइड रह गया। मैं आपको दिखाऊंगा अभी ऊपर। ओ माय गॉड, एक्सीडेंट हो रखा है। स्पीड में होगा, क्या रोड है यार। यहाँ जितनी बार भी आओ उतनी बार है ना सुकून मिलता है सच्ची में। ऐसा नहीं लगता कि भाई बार बार आ चुके तो बोर से हो गए, नहीं, जितनी बार भी आओ ना उतनी बार सुकून मिलता है। टाइम हो गया भाई 4 बज गए शायद, अभी तक 4 नहीं। वो है सिरोही शहर नीचे, वहाँ से हम आए थे टनल से होके। और भाई मेरी वीडियो बन चुकी है कार के अंदर से ही। आरजे गुन्नी जोधपुर के शायद अंकल मेरी वीडियो बना रहे थे यार। मंदिर है शायद, जय श्री राम। यहाँ से स्टार्ट होती है माउंट आबू की चढ़ाई, हो भाई 20 या 25 किलोमीटर, वाह 20 या 25 किलोमीटर दूर तक भाई ऊपर जाना पड़ेगा सीधा। अब धीरे धीरे से ऊपर चलते आएंगे, ठंड अपने आप बढ़ती जाएगी। अभी गर्मी है, धीरे धीरे ऊपर आगे ठंड बढ़ती जाएगी अपने आप। विश्वास भी नहीं हुआ था कि यार ऐसी जगह भी होती है कि जहाँ बादल नीचे होते हैं पहाड़ ऊपर होते हैं। खुद को बादलों के बीच में पाया था मैंने। भाई रात को यहाँ का टेम्परेचर माइनस में जाता है। अभी तो पता नहीं गर्मी स्टार्ट हो गई, मार्च के महीने में आता होगा, लेकिन जब सर्दियाँ होती है ना यहाँ पर भाई माइनस में आता है यहाँ का टेम्परेचर। ये तो आपको सब जगह मिल जाएंगे। गुन 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 हो रही है ना, वो से आना मेरे को। भाई लोग रहते भी यहाँ पे, गांव भी है यहाँ पे, ये सब घूमने वाले आते हैं यहाँ। वो शिट सामने देख यार। मेरी हालत तो अभी से पतली हो गई, क्यों ना यहाँ पे बैठकर चाय पी ली जाए।
भाई हाथों ने कमर ने जवाब दे दिया। अब और मेरी आवाज़ भी थोड़ी चेंज हो गई अभी सर्दी की वजह से, क्योंकि ठंड होती है यहाँ पे, नीचे के मुकाबले ऊपर ठंड होती है। गुरु शिखर अभी भी थोड़ा सा ऊपर है, 1 या 2 किलोमीटर। आप अपनी जिम्मेदारी अपनी रिस्क पे आप यहाँ पे कैंपिंग कर सकते हो, क्योंकि जंगली जानवर होते हैं यहाँ पर। गुड मॉर्निंग अपनी यूट्यूब फैमिली। अभी सुबह के बज रहे 6:30 और भाई माउंट आबू से हम निकल गए थे 4:30 बजे के, हाँ 4:30 बजे करीब निकल गए थे। सब कुछ कल रात को सब ठीक रहा, कैंपिंग करी थी भाई मैंने, बट मतलब कि बॉन्ड फायर वगैरह ये सब कुछ भी नहीं किया मैंने, क्योंकि मेरी तबीयत ना रात को ख़राब हो गई थी। अभी भी आपको आवाज़ से लग रहा होगा, वैसे तबीयत तो मेरी भाई मैं सुबह जब घर से निकला तभी ख़राब थी मेरी। रात को क्या वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा थी इसलिए वजह से और बिगड़ गई तबीयत। तो सुबह के भाई 4 बजे हम निकल गए थे वहाँ से, और अभी हमें पाली और सनराइज़ होने वाला अभी आपके सामने। अजमेर यहाँ से है 294, पाली 38 और ब्यावर 146। भाई अभी भी हम प्रॉपर पाली में नहीं हैं, वो भी अभी 46 किलोमीटर आगे हैं। क्या बताऊँ आप लोगों को, मतलब कि इस वाले माउंट आबू वाली ट्रिप के अंदर मतलब इतने लोग मिले मेरे को, इतने सच में यार अच्छा लगता है यार, जब लोग प्यार करते हैं ना इसे, रास्ते में मिलते हैं भाई, फ़ोटो वोटो खिंचवाते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है। अब पाली ये जो ओम बना टेम्पल था भाई, वहाँ पर भी मैंने 2-3 लोगों को सब्सक्राइब करवा लिया अपना चैनल और इंस्टा पर फॉलो करवा लिया था। इससे पहले मेरे को मिले थे, मतलब कि इस वाले रूट में भाई मैंने कम से कम भी 5 से 6 लोगों को अपना चैनल सब्सक्राइब करवा लिया था। बस आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहो। और भाई रात को इतना ठंड होता है वहाँ पर, आप मानोगे नहीं, मैंने इतनी उम्मीद भी नहीं की थी कि भाई इतनी ठंड मिलेगी मेरे को वहाँ पर। हाँ सोचा था कि भाई ठंड होती है वहाँ पर, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई इतनी ठंड होती है भाई। जितनी अपनी सर्दियों में होती है ना जनवरी के अंदर, भाई उतनी ठंड थी कल वहाँ पर। और अभी मॉर्निंग में जब सुबह निकला था ना मैं, तब भी भाई इतनी हद से ज़्यादा ठंड थी वहाँ पर, हद से ज़्यादा ठंड। जयपुर 332, जोधपुर 112। अभी भाई काफ़ी लंबा रास्ता पड़ा है जयपुर का, मिनिमम 300 किलोमीटर और जाना अभी हमें। दोस्तों वीडियो करते हैं पे यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर देना और शेयर करना तो बिल्कुल ही मत भूलना।